सब्सक्राइब कीजिए यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो और ऑनलाइन अर्निंग टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं 5 पैसा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 5 पैसा आखिर है क्या। 5 पैसा इंडिया का एक फेमस डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी है। ये इसका पैरेंट कंपनी IIFL है, जो बहुत दिनों से है, लेकिन IIFL अपना डिस्काउंट ब्रोकर के क्षेत्र में ही एक नया कंपनी नए नाम से लाया है। उसका नाम है 5 पैसा, और बहुत ही कम टाइम में 5 पैसा भी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हासिल किया है। दोस्तों, तो आज इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। खास करके इसका ऐप जो है ना, बहुत फेमस हुआ है बहुत कम टाइम में, और इसका जो है ब्रोकरेज चार्ज मात्र ₹10 है पर स्टॉक पर ट्रेड। पर ट्रेड दोस्तों आपको मात्र ₹10 लगता है इसमें। यदि आप किसी अदर ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं तो पर ट्रेड आपको मिनिमम 0.5 पर ट्रेड लगता है। यदि मान लीजिए आप 1 लाख का ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको ₹500 लग जाता है एक ट्रेड का, वहीं आपको 5 पैसा में मात्र ₹10 लगता है। तो अंतर समझिए कितना ज़्यादा का है हो जाता है दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ा परेशानी दोस्तों ये होता है ट्रेडर के लिए, ब्रोकरेज बहुत बड़ा परेशानी होता है। मान लीजिए आप 1 लाख में ₹500 कमाए और आप सेल करेंगे तब 500 फिर लगेगा, तो ₹1000 लगा। तो ₹500 यदि आप अर्निंग भी करते हैं उस ट्रेड में, फिर भी आपको 500 का नुकसान हो जाता है। यहाँ तो दोस्तों यदि आप ₹100 भी अर्निंग करते हैं ना तो भी आपको इनकम हो जाता है, क्योंकि आपका सेविंग हो जाता है, क्योंकि आपका इसमें सिर्फ ₹10 का ट्रेड लगा पर ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग 5 पैसा के साथ करना कितना बेनिफिशियल है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन भी कितना अच्छा है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं आगे। देखिए, हम लॉगिन कर चुके हैं इस ऐप को। उसके बाद देखिए, लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर आता है दोस्तों डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे हम क्लिक कर दिए हैं। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाता है। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रेड आता है, ट्रेड का ऑप्शन। ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। तो उसके बाद वॉचलिस्ट आता है, सर्च आता है। तो हम पहले सर्च कर लेते हैं ट्रेड को, उसके बाद वॉचलिस्ट में ऐड होगा तो बाय करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च कर ले रहे हैं। तो सर्च पर क्लिक किया हमने। सर्च पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हम स्टॉक को सर्च करेंगे। मान लीजिए HCL एक स्टॉक है दोस्तों IT सेक्टर का, इसको हम सर्च कर रहे हैं HCL। देखिए HCL आ गया। अब इसको हम वॉचलिस्ट में ऐड कर पहले कर लेते हैं, वैसे यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। पहले वॉचलिस्ट में हम ऐड करना दिखा दे रहे हैं आपको। तो वॉचलिस्ट में ऐड करने के लिए हम वॉचलिस्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। वॉचलिस्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए माय वॉचलिस्ट है, 3 वॉचलिस्ट है यहाँ पे। तो हम ऊपर वाले को सेल में कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ डन कर दिए। हमारा ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अब है कि दोस्तों हम बाय करेंगे इसको, बाय करने के लिए ऐड करने के बाद अब हम वॉच लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ से हमको स्टॉक बाय करने के लिए देखना है कि स्टॉक बाय कैसे किया जाएगा। वॉच लिस्ट पे क्लिक किए। वॉच लिस्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आ गया ये वॉच लिस्ट। सबसे ऊपर में आता है, सबसे पहले देख लीजिए निफ्टी 50। निफ्टी 50 का स्टॉक जो है दोस्तों, जितना भी निफ्टी में स्टॉक है 50 स्टॉक निफ्टी 50 का, सबका सब आपको यहाँ दिखेगा। इससे भी बेनिफिट है कि आपको निफ्टी 50 का जो भी स्टॉक है आपको एक ही जगह मिल जाता है। उसका क्या ट्रेंड है लाइव मार्केट में, कौन अभी
अप ट्रेंड में चल रहा है, कौन डाउन ट्रेंड में, आपको सारा डिटेल यहाँ मिल जाता है। इससे भी हमको ट्रेडिंग करने में बेनिफिट होगा दोस्तों, बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट हो सकता है इससे। ये डिफॉल्ट रहता है इस ऐप में दोस्तों। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन है इसमें, देखिए माय स्टॉक का। माय स्टॉक में हमने जो स्टॉक डिलीवरी में ले रखा है वो यहाँ दिखाता है। उसके बाद देखिए वॉच लिस्ट है, रिसेंट व्यूड है। रिसेंट व्यूड में दोस्तों दिखाएगा कि हमने जो जिस स्टॉक को कुछ देर पहले या कुछ पहले देखा है वहाँ पर वो स्टॉक यहाँ पे दिखाता है रिसेंट व्यू में। उसके बाद तीन वॉच लिस्ट होता है, वॉच लिस्ट वन, वॉच लिस्ट टू, वॉच लिस्ट थ्री। वॉच लिस्ट वन को हम मैं वॉच लिस्ट नाम से रीनेम कर दिया, आप इस तीन दोनों को भी रीनेम कर सकते हैं। आप वॉच लिस्ट में, तीनों वॉच लिस्ट में आप अपने अपने देखिए हज़ारों स्टॉक होता है स्टॉक मार्केट में, हज़ारों स्टॉक होता है, तो उसमें हम सबको तो ट्रैक नहीं कर सकते, जो इम्पोर्टेंट स्टॉक सब है उसको ट्रैक करने के लिए हम तीनों वॉच लिस्ट में अपना ऐड कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट स्टॉक सब है दोस्तों उस पर हम नज़र रखे रहेंगे, और जो ही ट्रेड मिलेगा हमको वहाँ से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे उस स्टॉक में। तो इसलिए वॉच लिस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अब देखिए कि हम माय वॉच लिस्ट में हम एक स्टॉक अभी ऐड किए थे, वहाँ से हम बाय करके दिखाते हैं। माय वॉच लिस्ट में हमने ऐड किया था एच सी एल टेक को, एच सी एल टेक। देखिए अब एच सी एल टेक को हम बाय करना है, तो एच सी एल टेक को बाय करने के लिए बाय पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। बाय पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इंट्राडे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंट्राडे डिलीवरी आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर तो इंट्राडे आएगा। यदि हम इंट्राडे डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, सुबह खरीद के शाम 3:30 बजे तक सेल कर देते हैं तो उसको इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे में दोस्तों इसमें मार्जिन मिलता है 12x तक, मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 12 गुना तक का वैल्यू का आप शेयर इंट्राडे में खरीद के सेल कर सकते हैं। डिलीवरी में मिलता है 3.5x, मतलब 3.5 गुना आपने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है 5 पैसा में, उसका आप 3.5x मतलब 3.5 गुना तक बाय कर सकते हैं स्टॉक। तो ये यहाँ पे क्वांटिटी देंगे, उसके बाद प्राइस देंगे, उसके बाद बाय पे क्लिक करेंगे, बाय हो जाएगा। अभी जो है ना मार्केट आवर नहीं है तो हम बाय भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे तब बाय। बस यही आपको तरीका बता रहा हूँ, बाय पे क्लिक करेंगे, बाय ऑप्शन देख रहे हैं ग्रीन वाले है, इस पर क्लिक करेंगे बाय हो जाएगा। अब है कि एडवांस ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं दोस्तों। एडवांस ऑप्शन पर हम क्लिक कर दिया, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें एडवांस ऑप्शन में है रेगुलर डिलीवरी डे, ये तो रहेगा ही दोस्तों। अब है कि यहाँ डिलीवरी और इंट्राडे ये ऑप्शन है, तो हम मान लीजिए इंट्राडे पे करेंगे। इंट्राडे के लिए तो आपको बताया ही वही प्रोसेस है। यहाँ एक्स्ट्रा क्या हो जाता है एडवांस में, देखिए स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी देंगे। मान लीजिए हमको 50 क्वांटिटी बाय करना है तो 50 यहाँ दे दिए। अब है कि प्राइस है इसका जैसे 916 रुपया, तो वो जिस प्राइस पर हमको ख़रीदना है वो प्राइस यहाँ दे दिए हम, 916 यहाँ दे देंगे, या 917 होगा तब खरीदेंगे तो 917 दे देंगे, या 914 यदि घटने के बाद हम चाहते हैं खरीदें तो 914 दे देंगे। उसके बाद है कि ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या होता है, मान लीजिए हमने इसको दिया है मार्केट पर खरीदना चाह रहे हैं 916 में, अब इसका ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस हम सेट करना चाह रहे हैं। तो स्टॉप लॉस क्या होता है कि मान लीजिए 916 में हमने खरीदा, इस स्टॉक को हम चाहते हैं कि नहीं 910 से ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे, यदि घटेगा भी इसका डाउन ट्रेंड में यदि गया तो हम 6 रुपया से ज़्यादा लॉस नहीं चाहते हैं। तो यहाँ हम दे देंगे ट्रिगर प्राइस 910, मतलब 910 यदि हुआ तो हमारा सेल हो जाएगा, तो हमको 6 रुपया का नुकसान लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा भी जा सकता था, 910 से भी 905 भी जा सकता था, 900 भी जा सकता था, तो हमको ज़्यादा का नुकसान लग जाता। तो इसमें होगा क्या, स्टॉप लॉस सेट करने से हमको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ये हम अपना नुकसान एक पहले से डिफाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है वैलिडिटी, देखते होंगे आईओसी और डे। आईओसी क्या हुआ, डे का तो आप समझ लीजिए कि आपने जो डे सेलेक्ट किया, आप जिस स्टॉक को बाय करेंगे जो प्राइस आपने दिया है वो दिन भर में, मान लीजिए 916 है तो इसको चाहेंगे कि 910 होगा तभी हम बाय करेंगे, तो 910 यहाँ सेट करके रख दिया, तो जब भी पूरे दिन में 910 होगा तभी बाय होगा, नहीं होगा तो बाय नहीं होगा, 3:30 बजे कैंसिल होगा। अब है कि आईओसी क्या हुआ,
आईओसी हुआ कि इमीडिएट, यदि हम 910 यहाँ दिए और बाय पे क्लिक किया, 910 उस टाइम में नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा इमीडिएट। वही सेम चीज़ सेल में भी होगा। अब सेल में भी देखते हैं इसको, सेल का, सेल पर क्लिक किया, सेल पर क्लिक करने के बाद वही इंट्राडे वाला ऑप्शन है। सेल में यहाँ जो है ना, सेल में यहाँ क्वांटिटी देंगे, यहाँ प्राइस देंगे जिस अमाउंट पर हमको सेल करना है। मान लीजिए हमको 920 में इसको सेल करना चाह रहे हैं, तो 920 यहाँ हम पहले से डिफाइंड कर देंगे, या 930 करना है तो 930 यहाँ दे दिए, डिफाइन कर दिए। क्वांटिटी हमने 50 लिया था, 50 यहाँ दे दिए, तो 930 जब भी उसका होगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अब एक एडवांस ऑप्शन में देखिए क्या है, एडवांस ऑप्शन में इसमें भी वही सेम चीज़ होगा। देखिए यहाँ, देखिए एडवांस में है क्या, 50 दिया क्वांटिटी, 930 प्राइस है। सेम इसमें भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम डिफाइंड यहाँ कर सकते हैं, सेम चीज़ है दोस्तों। तो अब है आगे का और प्रोसेस, देखते हैं बाय कैसे किया जाएगा स्टॉक और सेल क्या कैसे किया जाता है 5 पैसा ऐप के थ्रू, ये हम देख लिया। अब रिसर्च देखिए, स्टॉक, हर स्टॉक में आप रिसर्च का भी ऑप्शन निकल आता है। रिसर्च के ऑप्शन में क्या मिलता है, देखिए रिसर्च पे हमने क्लिक कर दिया, रिसर्च पे क्लिक करने के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे अलग हट के ये है, इस ऐप के अलावा और किसी ऐप में नहीं मिलेगा दोस्तों। रिसर्च का ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, इससे हमको ट्रेड लेने में बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, रिसर्च में है कि ईपीएस आपको दिखाएगा, प्राइस स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और बायर डिमांड दिखा रहा है, ग्रुप रैंक दिखा रहा है दोस्तों। तो देखिए इस स्टॉक का प्राइस स्ट्रेंथ अच्छा है, फेयर दिखा रहा है, बायर डिमांड पुअर दिखा रहा है, ग्रुप रैंक हमको ग्रेट दिखा रहा है। मतलब ये है कि ना ही बहुत खराब कह सकते हैं, ना ही अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस स्ट्रेंथ, यदि मोमेंट होगा तो अच्छा मोमेंट होगा, ग्रुप रैंक अच्छा है, ग्रेट है, ग्रुप में इसका रैंक भी मतलब टीसीएस के बाद आता है, तो एचसीएल टेक का, तो ये भी ग्रुप रैंक भी अच्छा है। फिर बायर डिमांड देखिए, बायर डिमांड पुअर है, मतलब बायर डिमांड पे तो इम्पोर्टेंट रखता है कि बायर डिमांड यदि ज़्यादा होगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो इसको हमको थोड़ा मार्केट को एनालिसिस करके उस टाइम में यदि मार्केट पॉजिटिव रहा तब हम बाय करेंगे, क्योंकि बायर डिमांड इसका लो है, तो ये दिखाता है दोस्तों। इसी तरीके से रिसर्च का हमको लाभ मिल सकता है, हर स्टॉक पे ऐसा दिखेगा ऑप्शन। उसके बाद इसके बाद देखिए क्या ऑप्शन आता है। इसके बाद दोस्तों हम देखिए रिसर्च देख लिया, बाय सेल देख लिया, अब डिटेल पे क्लिक करेंगे दोस्तों। डिटेल में क्या क्या आता है वो देखते हैं। डिटेल में देखिए पहला ऑप्शन है इन्फो, इन्फो पर हम क्लिक कर देते हैं। इन्फो में देखिए, इन्फो में हमको ओपन प्राइस दिखेगा, इस शेयर का हाई प्राइस दिखेगा, लो प्राइस दिखेगा, प्रीवियस क्लोज दिखेगा, डीपीआर दिखेगा। फिर उसके अलावा एक्सपोजर हमको क्या क्या इस स्टॉक में मिलेगा, क्योंकि हर स्टॉक का एक्सपोजर अलग अलग होता है दोस्तों। एक कैटेगरी ए का स्टॉक है, कैटेगरी ए के स्टॉक में देखिए इंट्राडे में हमको मिल रहा है 10x तक का, फिर डिलीवरी में हमको मिल रहा है 5x का। उसके बाद देखिए 52 वीक हाई दिखेगा, 52 वीक लो प्राइस दिखेगा, मार्केट कैप दिखेगा कंपनी का, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी बहुत मायने रखता है, तो वॉल्यूम भी यहाँ दिखेगा। उसके बाद ये इससे होता है क्या, इस सब ऑप्शन को देखने के बाद हमको शेयर को उस टाइम में बाय करने में और समझने में सहूलियत होता है दोस्तों। ये और किसी कंपनी के ऐप में नहीं दिखेगा, किसी ब्रोकरेज के ऐप में नहीं दिखेगा इतना डिटेल दोस्तों। उसके बाद देखिए मार्केट डेप्थ, मतलब और लोग जो है किस रेंज में इसको बाय कर रहा है, ये भी आपको समझ में आएगा यहाँ से। चार्ट, फिर चार्ट का ऑप्शन है, चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक किए, देखिए 1 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर तक का चार्ट दिखेगा दोस्तों। तो देखिए हमको जैसे 3 मंथ का देखना है, 3 मंथ पे हमने क्लिक कर दिया, 3M का मतलब 3 मंथ्स हो गया, तो यहाँ पे 3 मंथ्स का चार्ट खुलेगा। अब देखिए 3 मंथ्स का चार्ट क्या दिखा रहा है कि अप ट्रेंड में यहाँ तक था, फिर डाउन गया, अब फिर से ये अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। मतलब अभी स्टॉक में कहा जाता है दोस्तों,
हमेशा अप ट्रेंड का जो शेयर है उसी को बाय करना चाहिए। जो डाउन ट्रेंड में आ रहता है उस टाइम में वो और भी डाउन जा सकता है, ये डर रहता है। इस वजह से हमको हमेशा अप ट्रेंड के शेयर को बाय करना चाहिए। तो ये अप ट्रेंड में फिर डाउन, इतना ज़्यादा डाउन होने के बाद फिर से अप ट्रेंड में गया है, मतलब इसमें अभी स्ट्रेंथ अच्छा है, ये बाय करने लायक शेयर है, चार्ट बता रहा है। तो इस सब सारा फैसिलिटी इसमें मिलेगा, इस सब सारा कुछ को, इन्फो को, मार्केट डेप्थ को, चार्ट को देखने के बाद आप शेयर को बाय करने में, समझने में आपको सहूलियत होगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए, ये इतना सारा फैसिलिटी है। उसके अलावा देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक किए, मार्केट स्नैपशॉट ऑप्शन है। मार्केट स्नैपशॉट में देखिए क्या आता है। मार्केट स्नैपशॉट में टॉप का गेनर उस दिन का और टॉप का लूजर जो है वो दोनों दिखेगा दोस्तों, लाइव मार्केट का। तो टॉप का गेनर और टॉप का लूजर से आपको क्या पता चलेगा कि अभी आज के दिन किस सेक्टर का ट्रेंड है, और क्योंकि हर दिन अलग अलग सेक्टर का ट्रेंड होता है, हो सकता है तो आज के दिन किस सेक्टर का ट्रेंड है और कौन ट्रेंड में है, कौन स्टॉक, तो वो हमको समझने में सहूलियत होगा। उसके अनुसार हम शेयर को आसानी से समझ सकते हैं, कौन शेयर आज ट्रेंड में है उसको हम बाय करेंगे, उससे हम अर्निंग अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। देखिए लूजर भी रेड में जो दिखा रहा है यहाँ, लूजर है जो, मतलब आज के दिन लॉस दे रहा है। तो हम हमेशा बाय करेंगे तो अप ट्रेंड वाले को करेंगे जो ग्रीन में दिखा रहा है दोस्तों। ये इससे भी हमको बहुत सहूलियत होता है। स्नैपशॉट, मार्केट स्नैपशॉट किसी और एप्लीकेशन में दिखेगा ही नहीं दोस्तों, फाइव पैसा के अलावा किसी और में नहीं दिखता है। बहुत सारा खास बात है इसमें। फिर नेट पोजीशन में आपको दिखेगा पोजीशन जो आपने इंट्राडे या डिलीवरी में ले रखा है, वो पोजीशन दिखेगा। देखिए पोजीशन में है, जैसे अभी मार्केट जो है दोस्तों आफ्टर मार्केट हम देख रहे हैं, इसलिए हमारा पोजीशन वगैरह कुछ नहीं यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे हम जैसे होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो मेरा होल्डिंग है कुछ, तो होल्डिंग में हमारा दिखाएगा, देखिए दिखाएगा। देखिए होल्डिंग में हमारा शेयर आ गया जो हमारा होल्डिंग में है दोस्तों। नेट स्लो होने की वजह से धीरे खुल रहा है। आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी दे दूँ, तो थोड़ा वेट कर लें दोस्तों। देखिए आगे हमारा होल्डिंग में जो दिखा रहा है शेयर, फिर यहाँ म्यूचुअल फंड भी कुछ बाय कर रखे हैं वो भी दिखाएगा, देखिए दिख रहा है। इससे म्यूचुअल फंड भी आप बाय कर सकते हैं इससे। तो होल्डिंग पोजिशन में आप ये सब देख सकते हैं। उसके बाद है मार्जिन कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए हम एच सी एल का ही बता रहे थे, तो एच सी एल का भी इसमें बता रहे हैं। मार्जिन कैलकुलेटर ये दोस्तों इसका है, एफ एन ओ के लिए है, ठीक है। किसमें क्या मार्जिन, एफ एन ओ के लिए है, क्योंकि मार्जिन हर स्टॉक के सामने जो है स्टॉक क्या दिखाता ही है, एफ एन ओ के लिए मार्जिन यहाँ पर दिखाएगा। एच सी एल टैग, एच सी एल टैग का मान लीजिए कि हमको दिख रहे हैं, मान लीजिए जो 28 जुलाई का लेना है फ्यूचर, तो देखिए इसका क्या 700 का लॉट है। मार्जिन हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, देखिए इतना हमको 79,979 लगेगा यदि हम 28 जुलाई 2018 का लेंगे फ्यूचर। तो फिर इसी तरह के ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में हम यदि हम लेते हैं 28 जुलाई का, तो हमको क्वांटिटी कितना बाय करना होगा, 700 क्वांटिटी। हम कैलकुलेट पर हम क्लिक कर दिए तो यहाँ मतलब ये ज़्यादा हो गया 28 जुलाई, तो हमको अभी 28 जुलाई का इसमें नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, हम पुट देखते हैं, पुट में क्या है, पुट भी बाय यहाँ भी अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया ये। आप देखिए सेल में दिखा रहा है 79,979। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या मार्जिन हमको मिलेगा एफ एन ओ में यहाँ से। तो ये भी मार्जिन कैलकुलेटर भी किसी भी ऐप में नहीं है दोस्तों, और किसी भी ऐप में मार्जिन कैलकुलेटर नहीं है एफ एन ओ का। तो ये भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ट्रेडर के लिए। उसके बाद बॉन्ड वगैरह भी बाय सेल कर सकते हैं यहाँ से। फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ंड ट्रांसफ़र इसमें जो हम लोग डिपॉजिट करेंगे विड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे पे इन है, पे इन पे क्लिक करके हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। पे आउट पे क्लिक करके हमको जो विड्रॉ करना है वो विड्रॉ करेंगे। जैसे हमने पे इन पे क्लिक कर दिया, देखिए दिखाता हूँ, तो हमारा अकाउंट नंबर आ गया, जितना अमाउंट करना है अमाउंट भरेंगे, पे इन पे क्लिक करेंगे हमारा, उसके बाद जो है मेरे बैंक का ये जो है ना इंटरनेट बैंकिंग का खुल जाएगा, वहाँ से हम कर सकते हैं। सेलेक्ट करना होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी है ऑप्शन। फिर पे आउट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट दिया हुआ है वो आ जाएगा, फिर अमाउंट भरना, पे आउट पर क्लिक करेंगे यहाँ से पे आउट हो जाएगा हमको, और आज हम विड्रॉ लगाते हैं तो कल आ जाता है इसमें विड्रॉ। उसके बाद देखिए दोस्तों एडवांस रिसर्च है। एडवांस रिसर्च ये हमको जब भी आप ज्वाइन कर ये इसमें साइनअप करते हैं तो 1 महीना तक फ्री रहता है। यहाँ से स्टॉक का आइडिया मिलेगा आपको, हर स्टॉक का आइडिया मिलेगा, कौन कब बाय करना चाहिए, ये भी बहुत ही यूनिक है। आपको ऐप के थ्रू ही ये सारा जानकारी मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन ये इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है 1,1500 रुपये महीना करके, लेकिन 1,1500 बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि इसका जो आइडिया होता है उससे आप जो है ना लाखों रुपया तक कमा सकते पर मंथ। उसके बाद देखिए न्यूज का ऑप्शन है कि दोस्तों है, इससे भी आपको क्या बेनिफिट होगा, मार्केट में जो न्यूज आया किसी स्टॉक के बारे में उससे आप अपडेट रहेंगे, अपडेट रहेंगे तो आपको अर्निंग करने में सहूलियत होगा। मान लीजिए किसी स्टॉक का नेगेटिव न्यूज आया तो उसको हम सेल कर देंगे, पॉजिटिव न्यूज आया तो उसको हम न्यूज पे स्टॉक मार्केट चलता है उसको हम बाय कर लेंगे पॉजिटिव में। और इसको देखिए न्यूज के लिए इसको स्लाइड ऐसे नहीं करना है, ऊपर स्लाइड करेंगे न्यूज एक एक करके न्यूज आते जाएगा, देखिए एक एक करके न्यूज आ रहा है, ऊपर स्लाइड करेंगे न्यूज पे तो देख लिए, न्यूज का ऑप्शन हमने देख लिया। अब म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड पे देखिए यहाँ पे है स्टार्ट SIP, स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे, तो ये आगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा हमको बाय करना है SIP। तो ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट सब है इसका, जो दूसरे आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है ऑप्शन ये सब भी है। तो दोस्तों हमने बाय सेल कैसे किया जाए और कंप्लीट जानकारी इस ऐप के बारे में, 5 पैसा एप्लीकेशन के बारे में ले लिया है, और भी स्टॉक के बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिलते रहेगा हमारे UBPS स्मार्ट गुरुकुल चैनल से। तो दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल के वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए ऑनलाइन अर्निंग टिप्स के साथ आप लोगों के साथ हाजिर रहूँगा आप लोगों के पास। और दोस्तों आप लोगों से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और लाभ ले सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं, नए मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वो फ्री है, बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है। और बेल आइकन पर क्लिक करके फ्री में नोटिफिकेशन भी एक्टिवेट कर ले, वो भी बिल्कुल फ्री है दोस्तों। बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किसी भी वीडियो का, यदि हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा, मैं तो आपके लिए मेहनत करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगे, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट भी कुछ करें, कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना राय दें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके, या कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।